ਮੇਰੀ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿੰਮੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮਰਨਗੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਹੇ 8 ਦਿਨ फवाह चौधरी 8 दिन से लंदन में पिकनिक मना रहे हैं। वजारत इत्तलात में आ जाओ वज़ीर आज़म ने पेशकश की है। शेख रशीद ने बता दिया, कहते हैं मुझ में हिम्मत नहीं दिन रात काम करूं। फवाह चौधरी को कहा है वापस आ जाओ। वज़ीर आज़म वजारत की तब्दीली का कहें तो आपका क्या रद्द अमल होगा? सहाफी का सवाल, मैं कहूँगा लव यू थैंक यू वेरी मच। शेख रशीद का जवाब, अगर मुझे कहेगा तो मैं कहूंगा लव यू थैंक यू वेरी मच। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में एलडीए सिटी से मुतालिक केस की समाअत, मफरूर अफराद की गिरफ्तारी के लिए क्या इकदाम किए? एलडीए सिटी कितनी कंपनीज का ज्वाइंट वेंचर था? चीफ जस्टिस का नैब प्रोसिक्यूटर चौधरी खलीलुज्जमान से इस्तफसार, दो मुलजिम गिरफ्तार हैं बाकी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब, चीफ जस्टिस ने गिरफ्तार जमानत पर रिहा और मफरूर मुलजमान की तफसीलात तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में मंशा बम कब्जा केस की समाअत, मंशा बम से वागजार कराई गई जमीनें महकमे माल के कब्जा में हैं। डीसी लाहौर ने रिपोर्ट जमा करा दी, 10 साल से सिविल मुकदमा लड़ रहा हूं, अभी तक फैसला नहीं हुआ। मुदई अशरफ महमूद की इस्तदा, सिविल अदालत से अपनी जमीन का कब्जा हासिल करें, चीफ जस्टिस की हदायत। चीफ जस्टिस का सिविल अदालत को 4 माह में मुकदमात का फैसला करने का हुक्म, मंशा बम केस से मुतालिक दरख्वास्तें निपटा दी।